अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। तो आज मैंने बनाई थी मैगी, क्योंकि मेरे बेटे को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने मैगी लंच बॉक्स में उसके पैक की थी और ऊपर से मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया था इसको, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकले ना। और इसके बाद में लंच टाइम में मैंने बना लिया था, मुझे बनाना था चिली पोटैटो एक्चुअली। तो मैंने इस तरह से कट करके रख दिए थे बॉईल करने के लिए आलू को। बहुत ज़्यादा बॉईल मुझे इन्हें नहीं करना था, बट मुझे कोई और काम याद आ गया था, तो इनको मैं इस तरह से पैन में करके और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट वगैरह डाल के, पानी डाल के, और मैं कुछ और काम मुझे याद आ गया था उसको मैं करने लगी थी, और ये आलू बहुत ज़्यादा बॉईल हो गए तो मुझे फिर चेंज करना पड़ा। और ये मैंने इसका भरता बनाया है, इसलिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे फिर, क्योंकि ज़्यादा बॉईल हो गए थे आलू बहुत ज़्यादा, तो मैं चिली पोटैटो नहीं बना सकी उसके। तो फिर मैंने इसको मिक्स किया और फिर इसमें मैंने जो चीज़ें कट करके डालनी थी, कुछ मैंने थोड़ी सी प्याज इसमें कट करके डाली थी, हरी मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा, लहसुन थोड़ा सा मैंने इसमें कूट के डाला था, और ज़ीरा और नमक, लाल मिर्च वगैरह सब अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। और ये देखें, एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। और मेरे हस्बैंड को पसंद है थोड़ा सा प्याज अलग से इसमें मैंने डाला है, और थोड़ी सी मेरे पास हरी मिर्च की चटनी रखी हुई थी, तो वो भी मैंने ऊपर से एक थोड़ा थोड़ा सा लेयर उसमें डाला है। और फिर उसके ऊपर से उनको मैंने थोड़े स्पाइसी से बना के दिए थे पराठे, उनको इस तरह से पसंद है। आज मैं थोड़ा जल्दी से उठ गई थी, क्योंकि मुझे आज चिली पोटैटो, मैगी वगैरह और थोड़ा सी नाश्ता वगैरह भी साथ में बनाना था, और हैवी नाश्ता बनाना था मुझे, क्योंकि मैंने चिली पोटैटो सोचा था कि मैं बनाऊंगी, बट वो नहीं बन पाए। तो फिर आलू के पराठे मैंने बनाए, तो चॉपिंग आज ज़्यादा हो गई थी, तो पराठे मैंने नाश्ते में बना के दे दिए थे अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को, और लंच बॉक्स भी पैक हो गया था। उसके बाद में मॉर्निंग में मुझे सारे काम वगैरह फिनिश करने के बाद, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, मैं कुछ कपड़े मेरे पास रखे हुए थे वॉश करने के लिए, तो मैंने इनको वॉश कर दिया था, नहीं तो फिर ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और आज ना था अकीका सेरेमनी में, जहाँ से हमारे पास इनविटेशन आया हुआ था, तो शाम में हम निकले थे, मेरे हस्बैंड साइड से आ गए थे आज 5 बजे। सबसे पहले वहाँ जाने के बाद हमने कुछ फास्ट फूड खाए थे, जैसे कि टिक्की वगैरह हमने खाई थी, थोड़ी सी हमने चाउमीन ली थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने लिया था, और गोलगप्पे भी खाए थे हमने वहाँ पर थोड़े से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का खाना भी। और ये देखें, यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, जो कि यहाँ पर फुल वो डांस कर रहे थे, फुल मस्ती कर रहे थे, और पेरेंट्स आराम से बैठे हुए थे, और काफ़ी खुला खुला था यहाँ पर, बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक्चुअली में गर्मी हो रही है 3-4 दिन से, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और ये देखें, बच्चे धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ पर डांस वगैरह करने लगे थे, और सभी यहाँ पर वीडियो वगैरह बना रहे थे इनकी। ये देखें, और इन्हीं के जस्ट बराबर में हम खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैंने यहाँ से इजीली ये वीडियो शूट कर ली थी।
पसीने में एकदम भीग चुका था, बट फिर भी मुझे इसको खींच कर लाना पड़ा था यहाँ से, आने के लिए ही तैयार नहीं था। उसके बाद ये मेरी सिस्टर और ये सारी मेरी कज़न सिस्टर थी और हम सभी बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे थे। और ये देखें, पानी वगैरह भी हमने मंगवा लिया था यहीं पर और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और हम सभी बैठकर आराम से खाना खा रहे थे, अपने बच्चों को भी हमने खाना खिला दिया था। मेरे बेटे को तो खैर मेरे हस्बैंड ने खिला दिया था खाना। कहीं पर जाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, नहीं खा पाता है खाना ठीक से, बट हमने इत्मीनान से खाना खा लिया था बैठकर। और ये देखें, खाना खाने के बाद हमने थोड़ा इधर उधर घूमा था, एंजॉय किया था। और यहाँ पर ये देखें, हमने काफ़ी सारे फैमिली फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए थे मम्मी पापा के साथ। मेरे भाई था, मेरे जीजू और मेरी सिस्टर्स, उनके बच्चे, और ये बच्चों का डांस था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लास्ट में फिर इन्होंने बंद ही कर दिया था, तब बच्चों ने कहीं जाकर डांस बंद किया और बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था बच्चों ने, नहीं वापस आ रहे थे। तो मेरे बेटे को तो मैं लाई थी यहाँ से खींच कर। और ये मेरी सिस्टर हैं, एक मेरे से छोटी वाली सिस्टर हैं और एक सबसे छोटी सिस्टर है मेरी, तो यहाँ पर एक पीछे खड़ी हुई है मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा खड़ी हुई हैं। और ये जिनके अकीके में हम आए थे उनके बच्चों की मम्मा ये जा रही हैं, इनसे मिलने के बाद हम भी वापस जा रहे थे। और यहाँ पर कुछ हमारी फैमिली फ़ोटोज़ हैं जो मेरे जीजू वगैरह भी आए हुए थे, दोनों सिस्टर और उनके बच्चे। और एक ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारी बेटी है हमारी, और सब बच्चों से ज़्यादा ये क्यूट है क्योंकि ये शैतानी नहीं करती है, बहुत आराम से खेलती है, बहुत ज़्यादा प्यारी है ये। और इतनी क्यूट है, चुप चुप अपने आप से खेल रही थी ये, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। और जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी तो ये मेरे पीछे पीछे आ रही थी, इस तरह से मैंने इसकी कैप्चर कर ली वीडियो। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत अच्छी बेटी है ये हमारी। और ये एक मेरा बेटा है और ये मेरी सिस्टर की बेटी है। और ये देखें, ये दोनों यहाँ पर शैतानी कर रहे थे। ये देखें, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ इनकी शुरू हो जाती हैं, जहाँ इन्हें खेलने के लिए कहीं थोड़ी जगह मिल जाती है वहीं पर शुरू हो जाते हैं। और ये देखें, और इनके मामा और इनके खालू जी, ये देखें, ये भी साथ में इनके साथ लगे हुए हैं। और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं यहाँ पर और ये सभी खड़े हुए हैं जाने के लिए। क्योंकि जो ये होटल था वो खाली हो चुका था और सभी जा चुके थे मोस्टली। और ये देखें, एक रस्म हो रही है यहाँ पर जिसमें दुपट्टा उड़ाया जा रहा है। जिन बच्चों का अकीका था उनकी मम्मा को, शायद उनके मायके वालों की तरफ से ये रस्म थी। और अगर आज का ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।